मैं हूं आदित्य राणा और आप लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्टेशन। आज की हमारी कहानी महाभारत काल में हुए 18 दिन के युद्ध के बारे में है। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो था एक स्त्री के अपमान का बदला, एक देश की प्रजा के साथ हुए अन्याय का बदला, पांडवों से छीने गए उन्हीं के घर का बदला। महाभारत का युद्ध धर्मों और धर्मों को लेकर लड़ा गया था। कौरव जो अधर्म के साथ थे, पांडव धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ था, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। तो आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटित हुआ था। महाभारत के पहले दिन पांडव और उनकी सेना को भारी हानि हुई थी। पहले दिन कौरवों ने पांडवों पर बढ़त बना ली थी, लेकिन बावजूद इसके विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म पितामह ने पांडवों के कई सैनिकों को मृत्यु की नींद सुला दिया था। पहले दिन की यदि तुलना की जाए तो कौरवों के लिए ये दिन उत्साह भरा था, वही पांडवों के लिए निराशाजनक। महाभारत के दूसरे दिन पांडवों ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया। इतना ही नहीं, भीष्म ने अर्जुन और श्रीकृष्ण को भी कई बार चोट पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने हजारों कलिंग और निषाद को मार गिराया। महाभारत के तीसरे दिन रणभूमि में भयंकर रक्तपात हुआ। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना के पसीने छुड़ा दिए और रणभूमि से खदेड़ दिया। इसके बाद भीष्म ने मोर्चा संभाला और भीषण संघार मचा दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। भीष्म को भारी पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है। तब अर्जुन उन्हें शांत कराते हैं और पुनः पूरे उत्साह के साथ से युद्ध लड़ने जाते हैं और कौरव की सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला देते हैं। महाभारत के चौथे दिन पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरव पर कहर बनकर टूटते हैं। उधर भीम भी कौरवों की सेना में भारी तबाही मचा देते हैं। इससे दुर्योधन परेशान हो जाता है और वो अपनी गत सेना भीम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी सेना का सर्वनाश कर देता है। दूसरे मोर्चे पर भीष्म का अर्जुन से भयंकर युद्ध होता है। महाभारत के पांचवें दिन कौरवों की ओर से भीष्म पांडवों की सेना के नाक में दम कर देता है। तब भीष्म को रोकने के लिए पांडवों की तरफ से अर्जुन और भीम को मोर्चा लेने के लिए उतारा जाता है और भयंकर युद्ध होता है। महाभारत के छठवें दिन कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। धरती दोनों ही सेना के सैनिकों से लाल हो उठती है। छठवें दिन पांडव कौरवों पर भारी पड़ जाते हैं। इससे दुर्योधन क्रोधित हो उठता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देता है और समझाता है कि सातवें दिन की रणनीति बनाते हैं। महाभारत के सातवें दिन अर्जुन कौरवों की सेना की नींद उड़ा देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरवों की सेना में भगदड़ मच जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है भीष्म पांडवों की सेना पर हावी हो जाते हैं, लेकिन तब सूर्यास्त हो जाता है और युद्ध थम जाता है। महाभारत के आठवें दिन युद्ध की शुरुआत से ही भीष्म बढ़त बना लेते हैं। उनके तीरों के आगे पांडवों की सेना एकदम भी आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन इसी बीच भीम धृतराष्ट्र के आठ पुत्रों का वध कर देता है। राक्षस अम्बलुष अर्जुन पुत्र इरावन का वध होते ही खलबली मच जाती है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से परेशान करता है, लेकिन तभी भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम युधिष्ठिर और पांडवों के सैनिकों के पीछे ढकेल देता है। आठवां दिन कौरवों के लिए निराशा और दुख भरा रहता है। महाभारत का नौवां दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने के लिए कहता है। तब भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन परेशान न हो, आज या तो वे श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या फिर किसी एक पांडव का वध कर देंगे। भीष्म पांडवों का भयंकर नुकसान करते हैं और इससे युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र को उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का बहुत नुकसान करते हैं। महाभारत के दसवें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। तब श्री कृष्ण शिखंडी का सहारा लेने के लिए कहते हैं।
अर्जुन कृष्ण के बताए उपाय के अनुसार शिखंडी को आगे करके भीष्म पर तीरों की बारिश कर देते हैं और कुछ देर में भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। ये दिन कौरवों के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आता है महाभारत का 11वां दिन। 11वें दिन कर्ण युद्ध में पांडवों को रोकने के लिए आ जाता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देता है, लेकिन कर्ण पांडवों की सेना को बहुत ही क्षति पहुंचाता है। महाभारत का 12वें दिन कौरवों की योजना को अर्जुन फिर से विफल कर देते हैं। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं। महाभारत के 13वें दिन, इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। श्री कृष्ण भगदत्त के वेशनावस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। तभी अर्जुन उसका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए एक चक्रव्यूह रचते हैं जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वो अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। महाभारत के 14वें दिन अर्जुन पुत्र की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। कौरव साजिश रचते हैं और जयद्रथ को छुपा देते हैं। इसी बीच अंधेरा छा जाता है। अर्जुन निराश होकर समाधि लेने की तैयारी करने लगते हैं। तभी ऐन वक्त पर श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से जयद्रथ का वध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण था। सूर्य निकलते ही अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। महाभारत के 15वें दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में दृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। महाभारत के 16वें दिन कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देते हैं, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारते नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। महाभारत के 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और इसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। अब आता है महाभारत का 18वां दिन। इस दिन भीम दुर्योधन के शेष भाइयों को मार देता है। उधर सहदेव शकुनी को मौत के घाट उतार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव उसे ललकारते हैं और भीम से उसका गदा युद्ध होता है। भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और दुर्योधन की मौत होते ही पांडव विजय हो जाते हैं।